हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार इसको भी देखना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो खून के जमने में हेल्प करता है। बताइए दोस्तों, कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, हेपरिन या ग्लोबुलिन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है फिब्रिनोजन, और इसलिए दोस्तों फिब्रिनोजन को ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ द बेनियन ट्री। बताइए दोस्तों कि हमारे इंडिया का जो नेशनल ट्री है बेनियन ट्री, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, फाइकस बेंगालेंसिस। ये हमारे बेनियन ट्री का बोटनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड। दोस्तों, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होता है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट हो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड। बताइए दोस्तों, ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद हीट जनरेट करे, उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट देना पड़े, उसे कहते हैं दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब दोस्तों दो एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर जुड़ के एक कंपाउंड बनाए, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वाटर बनता है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के वाटर पूरा कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और चौथा है इसमें दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि दोस्तों जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हीट करें, और हीट करने पे जब वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लैक लाइम। बताइए दोस्तों, जो स्लैक लाइम है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैक लाइम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड। दोस्तों, जब हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से कम हो, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के साउंड को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ह्यूमंस के साउंड की जो ऑडिबल रेंज है वो 20,000 से लेकर, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ज। अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, तो ऐसे टाइप के साउंड को दोस्तों कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड, यानी कि दोस्तों जो ह्यूमंस के साउंड की जो ऑडिबल रेंज जो कि 20 से 20,000 हर्ज के बीच में होती है, ठीक है ना, तो ऐसी साउंड, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो, उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसे ह्यूमन सुन नहीं सकते, ठीक है ना। और ऐसी साउंड दोस्तों जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, इसको भी ह्यूमन सुन नहीं सकते। ह्यूमन सिर्फ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से बताइए कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स, टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, फोर्स। स्केलर क्वांटिटी दोस्तों ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो दोस्तों, मैग्नीट्यूड हो, बट कोई डायरेक्शन ना हो, उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्स। फोर्स एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच टिश्यू इज फाउंड इन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के रूट और शूट के टिप पे होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा टिश्यू प्लांट की रूट एंड शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, मेरिस्टम टिश्यू, सीप ट्यूब, स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम टिश्यू। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है मेरिस्टम टिश्यू,
ये हमारे प्लांट्स की रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सार्कोलीमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स दी। दोस्तों सार्कोलीमा एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कौन से सेल को कवर करती है, स्पाइनल कॉर्ड की सेल को, मसल सेल को, नर्व सेल को, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के सेल्स को, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मसल सेल को। यानी का मतलब ये दोस्तों, सार्कोलीमा जो होता है, जैसे मान लो दोस्तों ये सेल मसल सेल है, तो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इसे सार्कोलीमा कहा जाता है। जिस तरह से हम नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह से दोस्तों जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मसल फाइबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड टू प्यूरिफाई गोल्ड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन से मिक्सचर का यूज गोल्ड को प्यूरिफाई करने में किया जाता है, एक्वारेजिया, एरोसोल, लिक्विड अमोनिया या नेसल्स रिएजेंट, बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्वारेजिया। दोस्तों एक्वारेजिया एक टाइप का मिक्सचर होता है हमारे कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का, जिसका यूज हम तरह तरह के मेटल्स को प्यूरिफाई करने में, स्पेशली गोल्ड मेटल को प्यूरिफाई करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन से मिक्सचर का यूज गोल्ड को प्यूरिफाई करने में किया जाता है, एक्वारेजिया का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। बताइए दोस्तों इम्यूनोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट कोच, क्रिश्चियन ग्राम, एडवर्ड जेनर या चार्ल्स डार्विन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इसका होगा आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर, इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना, और साथ साथ इनको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही फर्स्ट टाइम दुनिया का पहला वैक्सीन बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, फादर ऑफ वैक्सीन किसको कहा जाता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर, क्योंकि दोस्तों एडवर्ड जेनर ने दुनिया में फर्स्ट टाइम सबसे पहले वैक्सीन बनाया था, और सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया गया था वो स्मॉल पॉक्स बीमारी के अगेंस्ट बनाया था, और वो किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है दोस्तों, तो ये है साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।